हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। वो हमारे एनर्जी के लिए काम आता है। हमें कोई भी बीमारी होती है, कोई भी रोग दुख होता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये प्रोटीन खाएं। वो अपने हिसाब से प्रोटीन लिखता है। या आज के डेट में काफ़ी लोग को मसल्स बिल्ड करने का शौक है, जो कि मसल बिल्ड करने के लिए तरह तरह के जिमों में अलग अलग तरह के प्रोटीन अवेलेबल होते हैं। बट हमें कौन सा प्रोटीन लेना है, हमें कौन सी प्रोटीन खानी है, कौन सी प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज में प्रोटीन अवेलेबल है। पहले तो हम समझते हैं कि करेक्ट प्रोटीन सेलेक्ट कैसे करें। करेक्ट प्रोटीन सेलेक्ट करने के लिए जब भी हम कोई प्रोटीन लेते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उसमें उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड अवेलेबल है। अमाइनो एसिड होते हैं 22 टाइप्स के, उस जिसमें कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब होता है कि बॉडी खुद तैयार करती है, हमारे शरीर के अंदर क्षमता होता है जो खुद बिल्ड करती है। बट कुछ एसेंशियल होता है जो कि हमें खाना पड़ता है। एसेंशियल खाने के बाद ही नॉन एसेंशियल को हम बना पाते हैं बॉडी के अंदर। प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे हेयर के लिए, नेल के लिए, स्किन के लिए, ये बच्चों के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे बॉडी में लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड के साथ हेल्प करता है। बच्चों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अडल्ट्स को मेंटेनेंस एंड रिपेयर में हेल्प करता है। प्रेग्नेंट लेडीज की को हेल्प करता है उनके इन्फेंट को ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो हम इसे खाने से पहले क्या क्या चीज देखें। यदि प्रोटीन के अंदर सारे अमाइनो एसिड, जो 22 अमाइनो एसिड बता रहा हूँ मैं, वो अवेलेबल हैं, तो हम उसे ले सकते हैं। इसी अमाइनो एसिड के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको एक स्कोर दिया जाता है। इसको कहते हैं पीडीकेएस स्कोर। पीडी कैस स्कोर का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। यदि ए पीडी कैस स्कोर 1 है तो हम प्रोटीन को खा सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए सही है। यदि 1 से कम है तो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रोटीन में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जो अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन नहीं होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होता है, जो जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, केमिकल। हमारे बॉडी को केवल अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, बाकी यूरिया, यूरिक एसिड, केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और हमारे किडनी को फिल्टर आउट करना पड़ता है उसको बाहर निकालने के लिए। हमारा किडनी ऐसे ही इतना स्ट्रांग नहीं है आज की एनवायरमेंट के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से, और उस पर हम एक्स्ट्रा वर्कआउट दे रहे हैं तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा और हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को क्षति पहुंचती है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है प्रोटीन लेने से पहले, प्रोटीन खाने से पहले। दोस्तों, प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के डाइट में, आजकल की लाइफ स्टाइल में हमें पूरा चीज मिल नहीं पा रहा है, तो हमें सप्लीमेंट करना भी जरूरी है। सप्लीमेंट के मीन्स हमें जो चीज डाइट से नहीं मिल पा रहा है, डे टू डे खाना से नहीं मिल पा रहा है, उसको हमें डेली बाहर से लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं सप्लाई कर रहे हैं, बॉडी को हम सप्लीमेंट दे रहे हैं। जैसे आजकल मैं एक स्मॉल काउंट बताना चाह रहा हूँ। 1 गिलास मिल्क पीते हैं तो 3 से 4 ग्राम मिलता है हमें प्रोटीन। एक सर्विंग पल्सेस में 4 से 5 ग्राम मिलता है। सर्विंग वेजिटेबल्स में 2 ग्राम्स मिलता है। 1 चपाती ब्रेड में 3 ग्राम मिलता है। एग्स में 4 ग्राम मिलते हैं। सबसे ज्यादा मीट और फिश में अवेलेबल होता है प्रोटीन। बट ए क्वांटिटी वाइज तो रिच है, बट क्वालिटी वाइज बहुत पुअर है, क्योंकि मीट के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे हार्ट ब्लॉकेज में भी इसका अहम रोल होता है। तो हमें मीट अवॉइड करना है। यदि एग खा रहे हैं तो एग के अंदर का जो येलो वाला पार्ट है उसको हम हटा के यूज कर सकते हैं। यदि एग नेचुरल एग है तो उसे खाया जा सकता है। दोस्तों, और प्रोटीन के बारे में हमने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, जिसका लिंक बिलो दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप देख सकते हैं। उसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं। और यदि कोई भी
हेल्थ के रिलेटेड कोई भी, यदि आप मसल यूजिंग के लिए प्रोटीन यूज कर रहे हैं, कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको अपने 7-8 साल का अनुभव का पूरा शेयर करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी रिलीज करूंगा उसमें और इन्फॉर्मेशन आएगी, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।